गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार शीर्षक एकात्मक तथा संघात्मक शासन दे रहा हूँ। एकात्मक तथा संघात्मक शासन ये हमारा पूर्व में टॉपिक चल रहा था, इससे पहले वाला टॉपिक था संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक। संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक, संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली। हमने एकात्मक तथा संघात्मक से पूर्व जो अध्ययन किया था, एकात्मक संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली, संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली, ये हमारी शासन तंत्र की प्रणाली है। हम इस टॉपिक से पहले एकात्मक तथा संघात्मक से संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो टॉपिक है उसमें हमारा एक अंतिम टॉपिक रह गया था, वह टॉपिक था भारत के लिए उपयुक्त व्यवस्था। वह हमारा टॉपिक था भारत के लिए उपयुक्त, भारत के लिए उपयुक्त व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था? संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक। इनमें से भारत के लिए कौन सी अच्छी व्यवस्था है भारत के लिए, तो हमें देखना है भारत के लिए संस्थात्मक व्यवस्था अच्छी है या फिर अध्यक्षात्मक, या फिर अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक शासन व्यवस्था का हमने अध्ययन किया, उसमें हमें अध्ययन करने के बाद हमारा अंतिम टॉपिक उस वीडियो में रह गया था, वो अंतिम टॉपिक ये था कि भारत के लिए अच्छी व्यवस्था कौन सी है, भारत के लिए कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है, संस्थात्मक है या फिर अध्यक्षात्मक है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, देश की स्वतंत्रता के लिए जो हमारा आंदोलन चला था, उस काल से ही भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य है, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था थी, इसलिए भारत वो व्यवस्था अपनाना चाहता था जिस व्यवस्था से वो परिचित है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय जनता का नेतृत्व करने वाले वर्ग के द्वारा इसी शासन व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया गया था, इसी शासन व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण था। इसलिए जब भारतीय संविधान सभा के सम्मुख, भारतीय संसदीय संविधान सभा के सम्मुख शासन की दो प्रणालियों पर चर्चा की गई, संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक, दोनों में से एक व्यवस्था को अपनाने का प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुआ, एक व्यवस्था को अपनाने की बात हुई जो लगभग सर्वसम्मति से संविधान सभा के 296 सदस्यों ने सर्वसम्मति से संस्थात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने का निश्चय किया। चतुर्थ आम चुनाव तक, अर्थात 1967 तक, चतुर्थ आम चुनाव तक संस्थात्मक व्यवस्था सामान्यतः संतोषजनक समझा जाता है, सामान्यतः अच्छी व्यवस्था समझी जाती, लेकिन चौथे आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ प्रदान किया। चुनाव के बाद भारतीय संघ के अनेक राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता तथा कमजोर शासन एक चिंताजनक दौर प्रारंभ हो गया। व्यवहार में यह देखा गया कि मुख्यमंत्री की समस्त शक्तियों अपने राजनीतिक दल के आंतरिक विवादों तथा शासन के भागीदार दल, जो मिलीजुली सरकार हमने पढ़ा था, उसमें शासन के भागीदार दलों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने की चेष्टा में व्यय हो जाता है। मुख्यमंत्री अपनी जो शक्ति है उनका अधिकतर प्रयोग अपने दल तथा जो भागीदार दल है उनके मामलों में सुलझाने में व्यय व्यतीत हो जाता है। इसे शासन की उत्तमता श्रेष्ठता की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं मिलता। ऐसे भी अनेक व्यक्तियों द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक कुशलता की दृष्टि से भारतीय शासन व्यवस्था में संस्थात्मक की जगह अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, लेकिन समस्त स्थिति पर विचार करने पर यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यदि भारतीय राजनीति के कुछ समस्याओं को हल करेगी तो कुछ नई नई समस्याएं उत्पन्न कर देगी।
इसलिए भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था भी उपयुक्त है। भारत में कौन सी व्यवस्था उपयुक्त है? संस्थात्मक शासन व्यवस्था। संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्यों उपयुक्त है, क्यों अच्छी है, इसका हम कुछ टॉपिकों में अध्ययन करेंगे। प्रथम ये कारण है, प्रथम जो कारण है वो प्रथम यह है कि भारत नव प्रजातंत्र देश है, भारत में नया प्रजातंत्र है। इसलिए जब भारत में नया नया प्रजातंत्र स्थापित किया गया है तो ऐसी स्थिति में, नव प्रजातंत्र की स्थिति में, नए प्रजातंत्र के परिणाम स्वरूप कार्यपालिका, नए प्रजातंत्र के परिणाम स्वरूप कार्यपालिका के प्रभावशाली साधन न हो, कार्य नया प्रजातंत्र हो उसमें कार्यपालिका पर प्रभावशाली साधन न हो, ऐसा साधन न हो जो कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सके, तो कार्यपालिका भ्रष्ट हो सकती है। इसलिए कार्यपालिका निरंकुश हो जाने की स्थापना हो जाती है। अतः लोकतंत्र को सजीव बनाने रखने के लिए भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था जरूरी है। पहला, निरंकुशता रोकने के लिए, दूसरा, भारत जब नया प्रजातंत्र स्थापित है तो अनेक बार जनता से निर्णय नहीं कर पाते, चुनाव में शीघ्र नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेतृत्व में इस प्रकार का जो परिवर्तन है, जल्दी जो नेतृत्व में परिवर्तन है, वो सब संस्थात्मक शासन व्यवस्था में उपयोग। तीसरा, भारत जैसे देश में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच पारस्परिक सहयोग तथा समस्त शासन का एक इकाई के रूप में कार्य करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। इस स्थिति को संस्थात्मक शासन व्यवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, भारत में लोकतंत्र नया नया स्थापित है, इसकी सफलता के लिए जन चेतना आवश्यक है, इसलिए जन चेतना के लिए संस्थात्मक शासन व्यवस्था आवश्यक है। इस प्रकार भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था के चार कारण हैं, एक तो कार्यपालिका की निरंकुशता के लिए, दूसरा आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, तीसरा कुशल नेतृत्व देने के लिए, और चौथा जन चेतना करने के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त शासन व्यवस्था है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था अच्छी शासन व्यवस्था। अब हम बात करते हैं आज जो हमारा टॉपिक करना है, आज जो हमारा अध्ययन का विषय है, एकात्मक तथा संस्थात्मक शासन व्यवस्था। अब हमारा जो अध्ययन का बिंदु रहेगा, एकात्मक तथा संघात्मक प्रणाली, एकात्मक तथा संघात्मक प्रणाली हम बात करते हैं, अध्ययन करते हैं। एकात्मक तथा संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक प्रणाली कौन सी है, संघात्मक प्रणाली कौन है? देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था का तात्पर्य राज्य की एक केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में केंद्रित होना, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था का तात्पर्य राज्य के दूसरे, राज्य की शक्ति ऐसी सहयोगी सत्ताओं में विभाजित होना है जिसमें प्रत्येक अपने क्षेत्र में वैधानिक दृष्टि से स्वतंत्र हो। एक राज्य में संविधान के आधार पर शक्तियों का जो केंद्रीकरण या वितरण किया जाता है उसके अंतर्गत हम शासन की इकाइयों के बीच संबंध पाया जाता है। इस प्रकार हमें दो प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित होती है, दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, एक एकात्मक, दूसरी संघात्मक। हम बात करते हैं एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की सारी के सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित की जाती है और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व या शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। विभिन्न मतदाताओं ने, विभिन्न विद्वानों ने एकात्मक शासन व्यवस्था की कुछ परिभाषाएं दी है, जिसमें डॉक्टर फाइनर की परिभाषा है, एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन
सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित होती है और इसके इच्छा अनुसार या केंद्र की इच्छा अनुसार सारी कानूनों का निर्माण होता है। दाईसी के अनुसार यह है कि एक केंद्रीय शक्ति द्वारा सर्वोशक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्म शासन है। गार्नर के अनुसार यह शासन की वह प्रणाली है जिसमें संविधान केंद्रीय शासन के एक अथवा एक से अधिक अंगों को पूरी तरह शक्तियां प्रदान कर देता है। इन्हीं द्वारा स्थानीय सरकारों की अपनी शक्ति को अपना अस्तित्व प्राप्त होता है। उपयुक्त जो तीन परिभाषाएं हैं फाइनल की, दाईसी और गार्नर की, उसमें स्पष्ट होता है कि एकात्मक शासन केंद्र तथा प्रांतों में वैधानिक दृष्टि से शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता, अपितु सारी शक्तियां केंद्र के पास ही होती है या केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि व्यवहार में समस्त शक्तियों का वह खुद प्रयोग करता है या फिर प्रशासन को सुचारू रूप से लाने के लिए स्थानीय सरकारों को दे। वर्तमान समय में इंग्लैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, इटली आदि राज्यों में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था मतलब केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, सारी शक्ति एक सरकार के पास। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकात्मक शासन की व्याख्या के बाद एकात्मक शासन की विशेषता। एकात्मक शासन की विशेषता कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर एक है संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं। पहली विशेषता है संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं। पहले जो हमारी शक्ति है संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं। एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के अनुसार संपूर्ण राज शक्ति, संपूर्ण सरकार की शक्ति केंद्रीय सरकार में नहीं होती। केंद्र की इकाइयों की सरकार में उनका कोई भी विभाजन नहीं होता, कोई प्रकार का विभाजन नहीं किया जाता। केंद्र सरकार संपूर्ण देश में सभी विषयों में सर्वोच्च होती है। इस सरकार द्वारा प्रत्येक प्रकार का कार्य किया जा सकता है। दूसरा, स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता। स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता, स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता। दूसरी जो विशेषता है कि स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय सरकार का स्वरूप और शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को अनेक इकाइयों तथा प्रांतों में विभक्त किया जा सकता है, किंतु इन प्रांतीय सरकारों का संपूर्ण अस्तित्व केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान के अनुसार प्रांतीय सरकारों की अपनी कोई पृथक एक स्वतंत्र शक्ति नहीं है। तीसरी जो विशेषता है एक हरी नागरिकता। एकात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में एक हरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। यद्यपि एक हरी नागरिकता होने का तात्पर्य आवश्यक रूप से एकात्मक शासन नहीं होता। नेक्स्ट है एकात्मक शासन के गुण। नेक्स्ट है हमारा एकात्मक शासन के गुण क्या है, विशेषताओं के बाद इनकी बात करते हैं। सबसे बड़ा गुण प्रशासन में एकता, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक सरकार के पास शासन होने से प्रशासन में एकता, इसके कारण प्रशासन में एकता रहती है, प्रशासन एकतापूर्ण कार्य करता है।
एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक प्रकार के कानून होते हैं और इन सभी कानूनों के केंद्रीय सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कार्य रूप में प्रेरित किया जाता है। परिणाम संपूर्ण राज्य में प्रशासन की एकरूपता बनी रहती है। इस शासन में प्रशासनिक एकरूपता के साथ साथ नीति संबंधी एकरूपता भी बनी रहती है। प्रशासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में नीति निर्धारण केंद्रीय शासन द्वारा ही किया जाता है। अतः स्वाभाविक रूप से नीति निर्धारण संबंधी एकरूपता आज आ सकती है, जो कि राज्य की उन्नति और कुशल प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नंबर दो, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता। दूसरा गुण है प्रशासनिक शक्ति संपन्नता। प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता। केंद्रीय शासन के हाथ में संपूर्ण शक्ति निहित होने के कारण केंद्रीय सरकार जनता के हितों के दृष्टि में रखकर सभी प्रकार से सभी कार्यों के संबंध में ठीक प्रकार से तथा दृढ़ता के साथ कार्य कर सकती है। इस शासन व्यवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण होने के कारण प्रशासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार का हो जाता है। केंद्रीय सरकार के सफल होने, उत्तरदायित्व में निश्चित होने के कारण प्रशासन में कुशलता आ जाती है। तीसरा है, तीसरी जो गुण है, विदेशी संबंधों का कुशलता पूर्वक संचालन। वैदेशिक संबंधों, विदेशिक संबंधों का कुशलता पूर्वक संचालन। तीसरा जो गुण है एकात्मक शासन व्यवस्था का, विदेशिक संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन। वर्तमान समय में प्रत्येक सरकार का एक अनिवार्य कार्य है कि वो विदेशों से संबंध कैसे है उनका संचालन करे। इन संबंधों का ठीक संचालन, इन संबंधों का अच्छा संचालन एकात्मक शासन द्वारा ही ठीक प्रकार से किया जा सकता है। सभी विषयों के बारे में केंद्रीय सरकार को पूर्ण अधिकार प्राप्त होने के कारण विदेशी संबंधों का संचालन भी ठीक प्रकार से किया जा सकता है। चौथा है, संकट काल के लिए उपयोग। चौथा जो गुण है एकात्मक का, संकट काल के लिए उपयोग। यह शासन प्रणाली हमारी संकट काल के लिए उपयोग, संकट काल के लिए ठीक। युद्ध, आर्थिक संकट, अन्य प्रकार की असाधारण परिस्थितियों में शीघ्रतापूर्वक निर्णय करने, उन्हें गुप्त रखने और शीघ्र उन्हें कार्य रूप में प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से शीघ्रतापूर्वक कार्य केवल एकात्मक शासन द्वारा ही किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत शक्ति का केंद्रीकरण होता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर भारतीय संविधान के अंतर्गत संकट काल के समय भारतीय शासन व्यवस्था को संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तन करने की व्यवस्था है। नंबर पांच, संघ की सत्ता। संगठन की सत्ता। एकात्मक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण गुण है संगठन की सरलता। संगठन की दृष्टि से एकात्मक शासन व्यवस्था बहुत सरल होती है। इसके अतिरिक्त इस संगठन में पर्याप्त परिवर्तनशीलता भी रहती है। केंद्रीय सरकार आवश्यकता अनुसार शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। नंबर छह, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, शासन की एकात्मकता होने के कारण संपूर्ण देश के लिए एक से कानून होते हैं। एक ही प्रकार से उन्हें कार्य रूप से परिणित करने की व्यवस्था होती है। एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है। सभी देशवासियों की एक ही प्रकार की परिस्थितियों में रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उसमें राष्ट्रीयता बंधन सुदृढ़ होते हैं। नंबर सात, मितव्ययता। मितव्ययता,
मित्र वेता एकात्म शासन व्यवस्था का गुण है। ये मित्रवेले शासन है, इसमें विभिन्न स्थानों में केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों में दोहरे कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती और शासन मित्रवे रहती है। आठवां है छोटे देशों के लिए उपयुक्त यह शासन व्यवस्था छोटे देशों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, छोटे देशों के लिए अच्छी शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे देशों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में सब भेद समाप्त करके संगठन और एकता स्थापित की जाती है। नेक्स्ट है हमारा एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष। एकात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली के दोष हानि नुकसान एक बार दोष हानि नुकसान कौन कौन से दोष है। नंबर एक है केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय। नंबर एक है केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय। सबसे बड़ा एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह दोष है कि इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने की संभावना रहती है। केंद्रीय सरकार निरंकुश हो सकती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है, अतः स्वाभाविक रूप से यह भय रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी न करने लगे। व्यवहारिक अनुभव के आधार पर इसे कहा जा सकता है कि शक्तियों के केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप कम या अधिक रूप से निरंकुशता की प्रवृत्ति पनपती है। नंबर दो राजनीतिक चेतना जागृत करने में असमर्थ। राजनीतिक चेतना जागृत करने में असमर्थ। राजनीतिक चेतना जागृत करने में असमर्थ। एकात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक चेतना जागृत करने की कमी नहीं है क्योंकि हर वर्ग हर व्यक्ति को राजनीतिक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के नागरिक कितने जागृत हैं, वहाँ के नागरिक कितने राजनीति के प्रति जागृत हैं, कितने संवेदनशील हैं। प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, किंतु यह राजनीतिक चेतना एकात्मक शासन व्यवस्था में ठीक प्रकार से उत्पन्न नहीं होती। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही मंत्रिमंडल और विधानमंडल होने तथा स्थानीय शासन की व्यवस्था भी अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण जनता को सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि लेने शासन में हाथ बटाने का पूर्ण अवसर नहीं मिलता। इसलिए जनता को सार्वजनिक कार्यों में रुचि कम हो जाती है और वह उदासीन होने लगती है। प्रशासन में भाग न मिलने के अवसर के कारण जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। नंबर तीन असक्षम और अकुशल शासन। असक्षम और अकुशल शासन तीसरा जो दोष है वो असक्षम और अकुशल शासन। एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में निहित रहती है, किंतु राज्य में किसी एक विशेष स्थान पर स्थित केंद्रीय सरकार इस बात से आशा नहीं की जा सकती कि वह देश के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ठीक प्रकार से समन्वय कर उचित प्रकार से शासन करे। यद्यपि
एकात्मक शासन व्यवस्था में भी प्रांतीय सरकारों की स्थापना की जा सकती है, किंतु ये प्रांतीय सरकारें या स्थानीय सरकारें पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार पर निर्भर होने के कारण ठीक प्रकार से प्रशासन कार्य नहीं कर सकती। नंबर 4, स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा। स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा, स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा। ये महत्वपूर्ण बात है कि स्थानीय संस्थाओं की सफलता के लिए इन संस्थाओं के पास पर्याप्त शक्ति तथा आय के पर्याप्त स्रोत होने चाहिए, तभी स्थानीय संस्थाएं ठीक प्रकार से कार्य कर सकती हैं। यद्यपि एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में स्थानीय शासन संस्थाएं होती हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार का नियंत्रण बहुत अधिक होने के कारण ये संस्थाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती। नंबर 5, नौकरशाही का शासन। नौकरशाही का शासन, नौकरशाही का शासन। एकात्मक शासन व्यवस्था में जनता को शासन में सभी सत्रों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है। नंबर 8, विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए अनुपयोगी। विविधताओं वाले राज्यों के लिए अनुपयुक्त यह शासन व्यवस्था, जैसे भारत की बात करते हैं विविधता में, ऐसे शासन व्यवस्थाओं के लिए अनुपयुक्त है। छोटे राज्यों में एकात्मक शासन भले ही ठीक हो, जहाँ एक प्रकार की शासन लोग है एक प्रकार की शासन व्यवस्था है, लेकिन बड़े क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य है, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग राष्ट्रीय संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, वहाँ एकात्मक शासन के आधार पर कार्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विभिन्नता वाले विशाल राज्यों में संघात्मक शासन व्यवस्था ही उपयोगी है। इस प्रकार हम आज एकात्मक तथा संघात्मक शासन व्यवस्था में एकात्मक शासन व्यवस्था की बात, एकात्मक शासन व्यवस्था की बात की, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन, स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता और एक निर्णय। फिर हमारा था एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण, गुणों की बात करते हैं 8 गुण हैं, प्रशासन में एकता, प्रशासन की शक्ति संपन्नता, विदेशी संबंधों का कुशलतापूर्ण संचालन, संकट काल के लिए उपयोग, संगठन की सरलता, राष्ट्रीय एकता, मित्रता, छोटे देशों के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट है एकात्मक शासन के दोष, केंद्रीय सरकार के नेतृत्व होने का भय रहता है, राजनीतिक चेतना जागृत करने में असमर्थ रहती है, अक्षम शासन है, स्थानीय संस्थाओं लोग का कार्य बाधा होती है, नौकरशाही का शासन किया जाता है और विभिन्नताओं वाले राज्यों के लिए। इस प्रकार हमने एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषाओं को सुना, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं को सुना, एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण को देखा और एकात्मक शासन व्यवस्था के दोषों की अध्ययन किया। इस प्रकार हमने 1, 2, 3 और 4 टॉपिकों में हमने एकात्मक शासन व्यवस्था का आधार अध्ययन किया। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संघात्मक शासन व्यवस्था रहेगा। तब तक COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई करते रहिए, जल्दी ही आपके महाविद्यालय खुलने की संभावनाएं, इसलिए COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए महाविद्यालय में आए, अपने गार्जियंस का सहमति पत्र,
साथ लेके आए, अपनी यूनिफॉर्म कंप्लीट करा ले। जब भी एक या दो दिनों में आपके महाविद्यालय खुलने की संभावना है तो COVID-19 के समस्त नियमों का पालन करते हुए महाविद्यालय में प्रवेश करें। थैंक यू, धन्यवाद।